बस जरा नए लोग देखकर घबराते होंगे। तो क्या चेहरे पे लिखा होता है? अरे चेहरे को छोड़े अम्मी, चेहरे पर तो बहुत कुछ लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रिदा इस्फहानी फ्रॉम कराची पाकिस्तान। एम के शराजी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। यूएसए से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है। इट्स अ शॉर्ट फिल्म बेसिकली नेमली जहन्नुम। यूएसए जैसे कंट्री में पाकिस्तानी कल्चर को आपने प्रमोट किया, उजागर किया। विश यू ऑल द लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। होते हैं नाराज हसी, पर कोई सबब तो होता है। ये सादगी नाराजगी, इस पे रुके ते मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिल्म स्टार शाहिद आजकल कनाडा में आया हूँ। तो मैं एम के शराजी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जो कि अमेरिका में रह के ड्रामों के ज़रिए पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो ऐसे ही मेहनत से काम करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। एक दफ़ा फिर मैं शराजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ टोरंटो से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू। वही 100% दुरुस्त कह रही हैं जोजी बेगम। ओ, आपने मुझे वापसी में छल्ली भी खिलानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो क्यों खिलाएगा छल्ली? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना अशरफ खान, और मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो शख्सियत है एम के शिराजी साहब। एम के शिराजी साहब बेसिकली एक फिल्म मेकर हैं जो शॉर्ट मूवीज बनाते हैं और मुल्क से हज़ारों मील दूर बैठकर पाकिस्तान के मौजूआत पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से और अहालिया ने पाकिस्तान की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी फिल्में इंतज़ार मार देता है, सच की फतेह, बच मोड़ तो, और बहुत सारी दूसरी फिल्में बना रहे हैं। कीप इट अप एम के शिराजी साहब, इसी तरह लगे रहिए, मुल्क की खिदमत करते रहिए, और अल्लाह आपके काम में और तरक्की दे आपको और बरकत डाले। जीते रहिए, सलामत रहिए, थैंक यू। और कुछ रास्ते लंबे ही क्यों ना हो, बहुत मुख्तसर लगते हैं। क्यों ना आप किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं? Hi, it's me, Shiza Hashmi. I'm an actor and model. मैं different dramas में काम कर रही हूँ, different short films में, commercials में काम कर रही हूँ, और मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे artist जो director भी हैं, writer भी हैं, M.K. शराजी साहब की मैंने एक short film देखी है जिसका नाम है जहन्नुम। उससे बहुत अच्छा एक lesson देखने को मिला है, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि वो ज़रूर आप देखिएगा। और दूसरा ये है कि अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद हूँ और आप सब शनासा हैं मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म के हवाले से। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो हैं एम के शिराजी साहब। राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और कूजे में दरिया को बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं उनके लिए। शिराजी साहब, कीप इट अप एंड कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सोनिया फैसल। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से है। ये वीडियो एम के शिराजी साहब के लिए, जो कि राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। इनका नया ड्रामा तकब्बुर की सजा, जो कि बहुत ही अच्छा है, और हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ है। अल्लाह ताला ने और भी कामयाबी अदा करे। हैरत की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो यूसुफ जमाल, यकीन कर लो। अनबिलीवेबल, मेरा अकीदा तुमसे भी मजबूत हो गया है तुम्हारे केस के नतीजे को देखकर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हनीफ मोहम्मद, आपका जाना पहचाना एक्टर, मॉडल और होस्ट। एम के शराजी भाई, क्या बात है आपकी, बहुत आला, बहुत ही आला कंटेंट, अना को तोड़ना होगा। ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है और अगर देखा जाए तो कभी कभी हम अना के चक्कर में रिश्तों तक को छोड़ देते हैं। और सर, मैं आपकी परफॉर्मेंस की क्या बात करूं, हमेशा की तरह बहुत आला। मैं तो ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान को अमेरिका में सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर तो खैर बहुत से रहे, लेकिन आपके जो तरीक़ेकार है वो
आप लोगों को बताते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हम में मोहब्बत कितनी है, और अगर कोई इशू होता है तो हम इसको किस तरह हाईलाइट करके उसको दूर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सर, पना को तोड़ना है, कीप इट अप, बनाते रहें ड्रामे, हम देखते रहें और उनसे हम सीख लेते रहें। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदफ राजपूत, और हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर एम के शेराजी साहब का एक नया ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है छोड़ जाने का दुख। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, आप लोग भी देखिए, यूट्यूब पे उनका चैनल है जिस पे ये ड्रामा आ रहा है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एम के शेराजी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि ऐसे ही काम करते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मेरा दिल तो कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो वलीद, कहां से लाओ इतना हौसला? पहले अबू छोड़ के चले गए और अभी घर छोड़ना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी फजल हुसैन, दिस वीडियो इज फॉर एम के शेराजी, ही इज नॉट हियर, लेकिन आपका प्यार हम देख सकते हैं जिस तरीके से आप ड्रामास बनाते हैं, सो बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, दिस इज़ मी सारा निगम, और मेरा ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से, मैं ड्रामास करती हूँ। ये स्पेशल वीडियो एम के शेराजी के लिए है जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, और उनका ड्रामा मेरी माँ मेरी ज़रूरत, जबकि आप तो जानते हैं कि माँ के एहतराम करना बहुत ज़रूरी है और माँ की खिदमत भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली मैसेज है इस ड्रामा में, आप भी लाजमी देखें, और बेस्ट ऑफ लक एम के शेराजी फॉर दिस ड्रामा, आई लव इट। भाई तुम लोग तो छुपाना चाह रहे थे लेकिन मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? इस घर से एक औरत ने कंप्लेन की है कि तुम लोगों ने उसे अगवा करके रखा हुआ है। ये सब इन लोगों ने किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ भट्ट साहब। आज जो है मैं खसूसी तौर पर ये जो एक क्लिप बना रहा हूँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं एम के शेराजी साहब, जिनकी बहुत सारी वीडियो जो है वो मैं देखता रहता हूँ। वैसे भी मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं, अभी उनकी जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जितनी मेहनत और लगन और खलूस के साथ शेराजी साहब ये बनाते हैं, जो कि वीडियोस और जो कि सोशल सर्विस कर रहे हैं, जिसकी कि अशद ज़रूरत है उन सोशल इश्यूज पे जो कि आजकल नज़रअंदाज होते चले जा रहे हैं, और उस पर जो है वो इतनी मेहनत करके पैसा खर्च करके और उसको बनाते हैं ताकि सोशल मैसेज जो है वो जाए। वो किसी शायर ने कहा था ना कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बाद अवकात ये छोटी छोटी सी बातें भी जी हैं दिल में उतर जाती हैं, और उसमें जो है वो बहुत से लोग उसका इफ़ेक्ट लेते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो है इस इनकी कोशिश को, इसको मैं अप्रिशिएट करूँ। शेराजी साहब सलाम है आपको, कीप इट अप, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और तौफीक दे कि आप ये जो है इस किस्म की सोशल सर्विस करते रहें और इस किस्म की वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि खुराफात तो बहुत सारी हैं फेसबुक पे, लेकिन इस किस्म की जो कि सबक आमोज वीडियोस हैं वो इन टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी है, और आपने टच किया है तो इस बात का तो आपको सलाम बनता है। कीप इट अप शेराजी साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को जो है इस तरह का करे कि इससे लोग सबक हासिल करें। तो एक बार फिर आपको सलाम शेराजी साहब, कीप इट अप, गुड वर्क। चिराग लेके भी ढूंढोगी तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। खैर, लड़कियां तो तुमने एक से बढ़कर एक दिखाई है मुझे। अच्छा तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या करती हो? आजकल की मुलाजमाएं तौबा, मजा ले कि कोई काम ढंग का कर ले। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायदा, और मैं यहाँ न्यू जर्सी में मौजूद हूँ। आज मैंने शूट की है एम के शेराजी साहब की, जिसके डायरेक्टर थे आरिफ उस्मानी साहब, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने पीटीवी में भी काफ़ी काम किया है, और उसके बाद वो अमेरिका आ गए और अमेरिका में आने के बाद भी बहुत सारी मैसेजेबल शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। उनका चैनल है, उनके चैनल को भी आप देखिएगा, बहुत सारे मैसेजेस वाले इनकी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सो मैं थैंक यू सो मच करूँगी उनसे, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। परी जी, आज हम आपको इधर से नहीं जाने देगा।
आज ते दीवारे चीन भी विच आ गई ना तो मैं अड्डी छड़प्पा मार के कूद के चले जाना है थो। जलाल खान मर सकता लेकिन हट नहीं सकता सामने से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदनान शाह टीपू। ये शॉर्ट आउट मेरे भाई एम के शराजी के लिए हैं, जो कि एक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करें। उनकी फिल्म है मेरी माँ मेरी ज़रूरत। तो बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं एम के शराजी साहब आपके लिए। अल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। जरूर देखिएगा मेरी माँ मेरी ज़रूरत। जब भाई आँख फड़कती है ना तो कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। जंग में जिंदा बचने की का तरीका है? मैंने कोई दूसरी जंग अजीम देखी है क्या जो मुझसे पूछ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन अकबर है, मेरा ताल्लुक टेलीविजन और फिल्म से है। एम के शिराजी साहब हैं, उनकी फिल्म है बेटी का जहेज, वो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। और ये जहेज के मौजू पर एक बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा। मैंने देखी, बहुत अच्छी फिल्म है और जहेज के मौजू पर बननी चाहिए फिल्में, क्योंकि जहेज हमेशा से हमारे माशरे का एक नासूर रहा है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत कामयाब करे। अरे यार ये क्या हो गया, बटन टूट गया। मैं लगा देती हूँ खालिद भाई। खालिद और चंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शमून अब्बासी और ये शाउट आउट है फॉर मिस्टर एम के शिराजी, जिनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और ड्रामों में और प्रोडक्शंस में उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो मज़ेदार चीज़ें प्रोड्यूस करते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम भी उनके काम आएंगे। और बस ये बहुत सारी दुआओं के साथ ये उनके लिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ। एम के शिराजी साहब ऑल द बेस्ट, आप जो भी काम करें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आप पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज फिरोजा और मैं एक एक्ट्रेस और मॉडल हूँ। ये एक बहुत शाउट आउट एंड ऑल द बेस्ट विशेस है टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एम के शिराजी, जिनकी अपकमिंग बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, उनकी मूवी भी आ रही है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह उन्हें ढेर सारा सक्सेस दे। आज ये तो पता चल गया कि तुम बिल्कुल फारिग आदमी हो। हमारी जिंदगी एक खुली किताब है। हाँ, है तो सही। कुछ किताब के सफ़े उड़ गए, कुछ फट गए, कुछ गुम हो गए, पता नहीं किसकी ठोंगों से गुम हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीमा अफरीदी, कराची पाकिस्तान से, और आप मुझे देख रहे हैं एम के शिराजी फिल्म के पेज पर और इनके चैनल पर। और हमारे प्यारे दोस्त एम के शिराजी, उनकी तारीफ में क्या कहूँ। उनका चैनल देखा और बेशुमार उनकी फिल्म देखी, संजीदा मौजूदात पर इस्लाही वो काम करते हैं। और खासतौर पर मैंने एक फिल्म देखी आपकी एक दिन, बहुत जबरदस्त है। क्या टॉपिक है और किस तरह किस अंदाज में उस कहानी को फिल्माया है, ये आप सबके भी देखने का है व्यूअर्स। तो एम के शिराजी फिल्म के पेज को, इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो कुछ कर सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल देखने वाला है। वो मोहब्बत नहीं समझौता होना था, तो जब समझौतों की नौबत आ जाती है ना दिए, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान औरत का होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गजाला भट्ट है। पिछले दिनों एम के शिराजी साहब का एक ड्रामा मेरी नजर से गुजरा, ओल्ड हाउस। यकीन मानिए कि बहुत अच्छा ड्रामा था। मेरी दुआ है कि शिराजी साहब इसी तरह अच्छे अच्छे सबक आमोज ड्रामे बनाते रहें और हम लोग उसे देखकर एंजॉय करें और कुछ सीखें। और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात शिराजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिम भट्ट है और आपने यकीन मुझे टीवी ड्रामों में देखा होगा। आज मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हमारे दोस्त हैं एम के शिराजी साहब, जो अमेरिका में मुकीम हैं और फन की बहुत खिदमत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ड्रामे फिल्म बनाते रहते हैं और बड़े सबक आमोज किस्म के ड्रामे बनाते हैं। अभी उन्होंने एक ड्रामा बनाया है जिसका नाम है तवक्कुल। तो मेरी गुजारिश है कि आप उसे ज़रूर देखें और एम के शिराजी साहब को फॉलो करें और आपको यकीनन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा सईद, एंकर एंड एक्ट्रेस। गुज़श्ता दिनों मेरी नज़र से एम के शिराजी साहब के ड्रामे गुजरे। अना को तोड़ना होगा ड्रामा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। शिराजी भाई, आप अमेरिका में बैठ के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी दुआ ये है कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें
और अपने फ़न के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हेलो जी, दिस इज़ बाबर सुल्तान। आई एम एन एक्टर एंड डिजिटल मार्केटियर बाय प्रोफेशन। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त एम के शिराजी साहब, जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के लिए ड्रामास बनाते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को फ़रोग देते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत ड्रामास की शक्ल में पेश करते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। आप इसी तरह खुश रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गज़ाला जावेद और इस वक्त मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एस के शिराजी साहब, वो अमेरिका में मुकीम हैं, लेकिन वहाँ रह के भी वो पाकिस्तान को नहीं भूले और पाकिस्तानीज के लिए बहुत अच्छे ड्रामास और बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और उनका सीरियल है उदास रूह, आप ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुहेल मसूद। एम के शिराजी साहब, आपके ड्रामे मैंने देखे, बहुत उमदा, बहुत अच्छे और एक मेयारी मौजू पे आपने ड्रामे बनाए हैं, तो कीप इट अप। अल्लाह आपको और तरक्की दे, इसी तरह आप ड्रामे बनाते रहें। और व्यूअर से भी मैं ये कहूँगा कि ड्रामे ज़रूर देखें। शिराजी साहब ने बहुत मेहनत की है अपने हर ड्रामे पे, उसके डायलॉग डिलीवरी और उसकी डायरेक्शन पे, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि मैं हूँ सिंगर फरला शायरी और मैं आई हुई हूँ यहाँ इस्लामाबाद में, और जब मेरी एम के शिराजी साहब पे नजर पड़ी, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स यहाँ पे तैयार किए, अमेरिका में बैठकर उन्होंने हम सब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से आपकी तरफ से बेस्ट विशेष। पढ़े लिखे चायल करीम भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हर साल नित नए तरीकों से ये अप्रैल फूल मनाते हैं। अप्रैल फूल, ये कौन सा फूल होता है करीम भाई? मैं इजहार बोबी, आज इत्तेफाक से एम के शिराजी प्रोडक्शन के चैनल पे गया और एक शॉर्ट प्ले देखा, बदबूदार ले जा, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि वेल डन शिराजी साहब, वेल डन। क्योंकि मुझे याद है कि 2001 में जब मैं अमेरिका आया था तो अतीका ओडो और हमारे पास इंडियन एक अदाकार थे बिट्टू वालिया, उनके साथ मैंने यहाँ एक ड्रामा बनाया था चाहत का सफ़र, तो उसमें एम के शिराजी साहब को मैंने कास्ट किया था। उस वक्त इनको काफ़ी मैंने हौसला दिया था, बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो एक मंझे हुए सिर्फ अदाकार ही नहीं, शिराजी साहब आप अब बहुत अच्छे राइटर भी हो चुके हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं, तो मैं आपको अपने दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बदबूदार लहजा देखकर मुझे महसूस नहीं बल्कि यकीन हुआ कि आप बहुत काम के आदमी हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें तख्लीक कर रहे हैं, और यही हमारे मुआशरे की ज़रूरत है इस वक्त, यही चीज़ें जो आप ये छोटी छोटी, मैं आपके चैनल पे और भी क्लिक कर गया और मैंने काफ़ी और चीज़ें भी देखी और सारी इस्लाही हैं, ये मुआशरे की इस वक्त हमारी बहुत ही ज़रूरत है, हमारी मुआशरे की इस्लाह के लिए, और आप ये एक जिहाद कर रहे हैं शिराजी साहब, बहुत बड़ा जिहाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बारे में, आपकी प्रोडक्शन के बारे में कमेंट्स दूँ, तो ये भी मेरे लिए एक एजाज की बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मारिया है, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं एम के शिराजी, वो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, वेरी मोटिवेशनल, आप इनका यूट्यूब चैनल जाकर देखें, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनकी चले फिल्म देखी है जिसका नाम है शक, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है उसके साथ, वो देखने के बाद मैं जाकर उनकी सारी वीडियोज देखने वाली हूँ, आप भी सारे जाकर देखिए, सब्सक्राइब करिए और आई एम श्योर आप बहुत इन्जॉय करेंगे। Hello and assalamu alaikum, I am Ali Anwar and a Pakistani TV actor and would like to congratulate and appreciate Mr. M.K. Shirazi on King Nai film aa rahi hai, Wrong Number, which is gonna be released in US, and M.K. Shirazi sahab aap bahut acha kaam kar rahe hain as a writer, as an actor, as a producer, and wish you very good luck for your upcoming film Wrong Number, best of luck. Ab mujhe koi bhi waise nahi chahega jaise Rafi chahta tha, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हानिया बस कर जाओ प्लीज,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिमशा फातिमा और मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ एम के शराजी साहब के लिए, जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए पाकिस्तान के कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान के कल्चर को सपोर्ट करते हुए ड्रामे भी बना रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर पे। और मेरी दुआ है कि उनका हर आने वाला प्रोजेक्ट बहुत कामयाब रहे और वो इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। मैं हूँ आपका अपना उरूज अब्बास, फिल्म, टीवी, रेडियो, स्टेज एक्टर। हमारे दोस्त एम के शिराजी साहब बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार करते रहती और बहुत अच्छे ड्रामे बनाती। अला कूट तोड़ना बहुत अच्छा ड्रामा है। अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे और पाकिस्तानी कल्चर को फरोग देते। हमारी दुआएं उनके साथ कि वो इसी तगुदो के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शबाना कुरैशी है, मैं एक टीवी और फिल्म की आर्टिस्ट हूँ। एम के शहराज साहब जो कि राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, मैंने उनका एक ड्रामा देखा ज़रा सा गुस्सा, जो कि बहुत ही मुझे पसंद आया। और इस तरह की चीज़ों पे या इस तरह की उस पे ड्रामा बनाना कि जो छोटे छोटे हमारे घर में मसाइल होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता और वो जिसकी वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, आपकी सेहत भी ख़राब होती है, तो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना ये बहुत अच्छा है और इससे समझ भी आ जाती है कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बेस्ट ऑफ लक अमित शहराज साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना अच्छा वो चीज़ें दे रहे हैं कि हम देख के खुश हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरशद नियाजी और हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं एम के शहराजी साहब। मज़े की बात यह है कि एम के शहराजी साहब अमेरिका में बैठ कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो अपना मुख्तलिफ छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी, पिछले दिनों में मैंने इत्तफाकन दो देखी उनकी, इज़्ज़त नफ्स और इंतज़ार मार देता है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर उनको विश करूं और उनको बताऊं कि माशाल्लाह वहाँ बैठ कर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद भी इसी तरह काम करते रहें। मूवीज़ तो और भी उन्होंने बनाई हैं और लेकिन यह है कि मुझे दो देखने का मौका मिला, मैं बाकी की भी देखूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग भी देखिएगा और बहुत अच्छे एम के शहराजी साहब, वेल डन, आपने फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है वहाँ बैठ के, वेल डन, बहुत खुशी होती है आपका काम देखकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निकत भट्ट, मैं हूँ टीवी आर्टिस्ट। शहराजी साहब, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामे बनाए, फैमिली में बैठकर उनको जब हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ महमूद सुल्तान फ्रॉम यूके ब्रेडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। आज मैं शाउट आउट कर रहा हूँ एम के शिराजी के लिए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा काम, आधी जिंदगी गुजार दी उसने इसी काम में। पिशावर टीवी में बहुत काम किया, हिंको ड्रामों में बहुत काम किया, कराची में काम किया, उसके अलावा जब से वो अमेरिका गए हुए और आज तक यही काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनकी हर चीज़ मैं देखता हूं, बहुत अच्छी लगती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, गुड लक टू यू, गुड लक टू योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम आर्य, मैं एम के शहराजी साहब को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। वो मुल्क से बाहर बहुत अच्छे पाकिस्तानी ड्रामे बना रहे हैं, हमारे कल्चर को फरोग दे रहे हैं, वो इसी तरह ड्रामे बनाते रहे, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम इस्लाम है और आज मैं जो एक ख़ास पैगाम आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि हमारे एक दोस्त हैं एम के शिराजी, बहुत काबिल आदमी हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर भी खुद हैं। उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है शॉर्ट स्टोरीज़ का, छोटी छोटी कहानियों पर वो उसकी ड्रामे तश्कील कर रहे हैं और उस पर शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है। मैंने भी हाल में उनकी एक फिल्म देखी, उदास रूह, और यकीन जाने के फिल्म देखने के बाद मैं मजबूर हो गया कि उनके लिए एक पैगाम ज़रूर रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को भी मैं
उनके काम की तरफ रुजू कराऊं। हमें ऐसे काबिल लोगों की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को हमेशा से ज़रूरत रही थी, रहेगी। मेरी दुआएं उनके साथ हैं और एक तमन्नाएं हैं, अल्लाह उन्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एक्टर एंड मॉडल अफशीरानी। मेरी नज़र से शिराजी साहब आपके काफ़ी प्रोजेक्ट गुजरे हैं, देखकर बड़ी खुशी हुई। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट और ड्रामे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखने को दिल करता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब व कामरान करें, इसी तरह आप फ़न की खिदमत करते रहें और हमारे पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, शकीब अनवर मुखातिब हूँ। और जो हमारे ये दोस्त हैं एम के शिराजी साहब, परदेश में बैठ के हज़ारों मील दूर अपने मुल्क की सकाफत, कल्चर और यहाँ की बारीकियाँ दीन के मामले में हो या किसी और मामले में हो, बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ड्रामे बना रहे हैं। और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, इनके जिस लगन से, जिस मेहनत से ये करते हैं तो इसका आउटपुट भी मिलता है। आप यकीन करिए कि मैं खुद भी देखा, अपने घर वालों को भी दिखाया, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। तो ये जो नाशुक्री जो ड्रामा है इनका, शानदार ड्रामा है ये। और भी इनके ड्रामे हैं जो जहेज़ के मामले में हैं और दीन के मामले में हैं, तो वो देख करके मुझे यकीन मानिए बेइंतहा खुशी हुई कि काश ये पाकिस्तान में होते तो शायद पाकिस्तान में भी अच्छे ड्रामे बनाते। बहरहाल मेरी दुआएं इनके साथ है, जहाँ भी ये रहें मुल्क का नाम रोशन करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और मेरी दुआएं एम के शिराजी साहब के लिए, लंबी उम्र दे, सेहत और आफियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा कादिर है, मेरा ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से है और आज की ये मेरी वीडियो एम के शिराजी साहब के लिए है, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। मैंने उनकी फिल्म देखी मेरी माँ मेरी ज़रूरत, जिसमें माँ के लिए बहुत अच्छा मैसेज था और बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं एम के शिराजी साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शाहिद अली है। एम के शिराजी भाई हमारे दोस्त, हमारे भाई, उन्होंने ड्रामा बनाया जहन्नुम। शिराजी भाई, मैंने जहन्नुम देखा, बहुत मज़ा आया देख के, बड़ा इस्लाही था। अल्लाह पाक आपको ऐसे बहुत से ड्रामे बनाने की तौफीक अता फरमाए ताकि लोगों तक वो ड्रामे पहुँचे और लोग उनसे कुछ सीखें। अस्सलाम वालेकुम जी, सजनों ते प्यारे हो, की हाल चाल है, ठीक हो, वालो राजी, उम्मीद करना अल्लाह ने कर दी कि तुम ठीक ठाक हो गए। सरकार मेरी दसना सिर्फ इन्ना सी कि अपना शिराजी भाई ने, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट मेरी नज़रों से गुजरे ने, तो काफ़ी अच्छे जनाब संजीदा ड्रामे बनाते हैं, वो फैमिलियों बह के देखने वाले ने, कॉमेडी शुगर मेला जिकन असी लाने ताकि तुम खुश होवो जनाब, तुम खुश रखने वास्ते। तो सजनों सुने, उन्होंने एक फिल्म भी आ रही है जिदा बड़ी बेचैनी नाल इंतजार है मेरी जान, तो देखना मत भुलना जनाब। अल्लाह पाक उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की दे, साड़ी दुआ शिराजी भाई मत। आमीन सुम्मा आमीन।